हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लाई हूँ पानी पूरी गोलगप्पे पुचके की रेसिपी, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह। इसके साथ हम बनाएंगे खट्टा मीठा चटपटा हरा पानी और यहाँ पे चना मसाला, जो इस गोलगप्पे के साथ बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप परफेक्ट गोलगप्पे अपने घर पर बना सकते हैं बहुत ही सस्ते में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको लेना है सूजी। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप सूजी नाप के। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको लेना है बारीक सूजी। मोटी सूजी अगर आपके पास है तो हल्का सा आप क्या कर सकते हैं, मिक्सी जार में घुमा लीजिए, तब आप यूज कीजिए। मेजरमेंट का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 1 कप सूजी से हम यहाँ बनाने वाले हैं। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लीजिए तेल इसके मोइन के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लेना है आपको गर्म तेल, बिल्कुल हॉट ऑयल लेना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है। इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 1/4 कप। पहले लेंगे यहाँ पे 1/4 कप, आपको यहाँ पे पूरा नहीं डालना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल गर्म तेल है, यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे इतना सा मैंने 1 चम्मच के लगभग बचा लिया है। यहाँ पे हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतने सूजी में आप आराम से 20 से 22 गोलगप्पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है। अब आपको इसे अच्छी तरह से ना मोयन में सूजी को मलते रहना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए मैं दिखा देती हूँ, इतना मैंने बचा लिया है। इतने सूजी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जब आप इसे हाथ में ऐसे बाइंड करेंगे ना तो बाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे आप इसे अच्छी तरह से मसल लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, तो इसे बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे आप चाहें ना तो दोनों हाथों से भी आप इसे मसल सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जो मोयन हमने डाला है वो अच्छे से सूजी में लग जाएगा, तो जो हमारे गोलगप्पे बनेंगे ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, 2 से 3 मिनट आपको लग जाएंगे। अब आपको इसमें डालना है पानी। तो मैंने यहाँ पे लिया है गुनगुना पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, गुनगुना लेना है। तो ये छोटी छोटी स्टेप्स हैं ना, जिसे आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। थोड़ा सा आपको पानी डालना है क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी कम है, और इसको आपको गूंथते रहना है। जितने का पानी की जरूरत पड़े इतना आप डाल के इसे अच्छी तरह से गूंथ लीजिए। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि सूजी को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट आटा लगाना है, जैसे हम रोटी के लिए सॉफ्ट आटा लगाते हैं ना वैसे। अगर आप हार्ड कर देंगे तो इसका टेक्सचर अलग हो जाएगा, अच्छे से आप बेल नहीं पाएंगे, पूरी अच्छे से नहीं फूलेगी। तो इस बात के लिए आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको इसे अच्छी तरह से गूंथना है, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। सॉफ्ट गूंथेंगे तो पूरी आप बहुत ही आसानी से आप बेल पाएंगे, तो अच्छी पानी पूरी बनेगी। तो यहाँ पे छोटी छोटी ये बातें हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से गूंथ लिया, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है और आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए अगर आप इस तरीके से गोला बनाएंगे ना तो ये फटेगी नहीं आटे, क्योंकि सूजी हल्का सा बिखरता है, पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे से पानी डाल के गूंथ लेना है। तो यहाँ पे मेरे 1/4 कप के लगभग पानी लगा है। और अब आप इसे आप ढक के रख दीजिए गीले कपड़े से कम 10 मिनट के लिए। अगर आपने यहाँ पे मोटे सूजी लिया है ना तो यहाँ पे आपको थोड़े ज़्यादा देर के लिए रखना पड़ेगा, इसके बाद ही आप यहाँ पे गोलगप्पे बनाएं। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा यहाँ पे ऐसे रोल बना लिया है, और इसमें से हम इक्वल साइज़ के ऐसे पेड़े तोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको छोटे पेड़े नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि जो सूजी गोलगप्पे होते हैं ना थोड़े बड़े साइज़ के ही बनते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पेड़े की तरह बना लेना है। और अब आपको इस पर ऐसे बेलन चला लेना है। एक बार आप ऊपर से नीचे करेंगे तो बहुत ही पतला और आसानी से आपका गोलगप्पा बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि जो तेल है ना आपका गोलगप्पे बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपके गोलगप्पे क्रिस्पी बनेंगे। तो इसके लिए आपका तेल जो है बहुत ज़्यादा हाई हॉट नहीं होना चाहिए कि धुआं निकल रहा हो। मीडियम आपका तेल गर्म होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे गोलगप्पे को डालना है। मीडियम का मतलब ये नहीं कि तेल आपका ठंडा होना चाहिए, अच्छा गर्म होना चाहिए, बस बहुत ज़्यादा धुआं नहीं आना चाहिए। इसके बाद ना आप एक एक करके गोलगप्पे इसमें डालिए और इसे आप फूलने दीजिए। अपने आप ये फूल जाते हैं, फुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और साइड में आप बेलते रहिए और इसमें डालते रहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने गोलगप्पे डाल दिए हैं, और इसे आपको ना अब मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है, जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। तो अब हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ना आपको बेल के इसे बहुत देर तक छोड़ना नहीं है, बस आप बेलते रहिए एक एक करके, और आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप 2 लोग हैं तो एक आदमी बेल सकता है और एक यहाँ पे अच्छे से इसे फूलने दे सकता है और पलट सकता है। तो यहाँ पे मैंने फिर से गोलगप्पे को डाल दिया। यहाँ पे देखिए सारे गोलगप्पे बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो यहाँ पे हम इसे पकने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे इसे चलाते रहना है। नीचे से ये अच्छी तरह से सिक गया है तो आप इसे टर्न कर लीजिए। ये गोलगप्पे इतने ज़्यादा फूल जाते हैं ना कि अच्छी तरह से टर्न भी नहीं हो पाते हैं। देखिए आप जैसे मैं टर्न कर रही हूँ, ये टर्न नहीं हो रहे क्योंकि बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। मीडियम फ्लेम पर आप इसे फिर से एक बार सेक लीजिए। यहाँ पर कलर बहुत ज़्यादा प्यारा आ गया है, तो इसे आपको निकाल लेना है। इससे ज़्यादा आप ना इसे फ्राई, यहाँ पर आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे आपको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करने में।
तो इसी तरीके से आपको सारे गोलगप्पे बना के तैयार कर लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बनते हैं। शेप और साइज अपने चॉइस के हिसाब से आप रख सकते हैं। आप चाहें तो गोल शेप में भी इस गोलगप्पे को बना सकते हैं, पर मार्केट में सूजी गोलगप्पे ना इसी शेप के मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है, तो यहाँ पे हमने सारे गोलगप्पे बना के तैयार कर लिया है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसे आप सस्ते में घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए हम चटपटा खट्टा मीठा पानी बना लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक बड़े साइज का मिक्सी जार ले लेना है और इसमें आपको डालना है धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने धनिया के पत्ते को अच्छी तरह से वॉश करके और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, जिससे इसके बहुत ज़्यादा रेशा ना आए। तो यहाँ पे रफली मैंने चॉप कर लिया है। अब आपको ना इसमें ऐड कर देना है लहसुन। तो लहसुन यहाँ पे 5 से 6 आप डाल सकते हैं, यहाँ मोटे साइज की है। यहाँ पे थोड़ा सा अदरक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब आप इसमें डाल दीजिए पुदीने का पत्ता। तो यहाँ पे पुदीने की क्वांटिटी आपको कम रखनी है, धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। इसे बहुत बढ़िया रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने डाल दी है तीखी वाली 4 मिर्च और यहाँ पे हम थोड़ा सा आइस क्यूब डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है इमली, ये बिना बीज वाली इमली है। इसे मैंने गर्म पानी में भिगो लिया है, अच्छी तरह से धो करके आप इसे भिगो लीजिए। यहाँ पे ना हम इसमें पूरा डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि हमें अलग से हमें जो चटपटी यानी मीठी वाली जो पानी होता है ना, वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। और यहाँ पे इसका कलर देखिए बहुत ज़्यादा हरा है, क्योंकि हमने आइस यहाँ पे डाला हुआ है। तो अब आपको इसे छान लेना है ताकि जो भी इसमें रेशे वगैरह हो वो सब निकल जाए। तो यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के भी आप इसे छान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छान लिया है, ये थोड़ी सी रफली चीज़ें हैं, इसको आपको निकाल लेना है। यानी जैसे इमली के जो रेशे वगैरह है वो भी है इसमें, तो उसे आपको निकाल लेना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा गुड़, इसको हम यहाँ पर हल्का सा कट करके डालेंगे। तो यहाँ पे गुड़ है वो भी सॉफ्ट है, तो यहाँ पे हम कट कर देंगे, आसानी से इसमें मिक्स हो जाता है। अब आप इसमें डाल दीजिए पानी। तो यहाँ पे अपनी चॉइस के हिसाब से, अगर आपको गाढ़ा चाहिए तो कम और आपको पतला चाहिए तो आप यहाँ पे ज़्यादा पानी ऐड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है, मिक्स कर लिया है। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए नमक। तो यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक रखें। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच के लगभग यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। इसके साथ ही आपको डालना है यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर। तो हमने हरी मिर्च का भी यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम लाल मिर्च डाला है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ा सा हम हींग डाल देंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया छोटी चम्मच से। अब आपको यहाँ पे डाल देना है थोड़ा सा चाट मसाला, 1/2 से 1 चम्मच के लगभग आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा काले मिर्च का पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन इसे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। इसके साथ ही आपको ना इसे अच्छे तरह से एक बार मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपको आइस क्यूब भी डाल देना है। इससे क्या होगा ना, इसका कलर भी अच्छा रहेगा और ठंडा ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ पर हम टेस्ट कर लेंगे और अगर आपको कुछ कम लगे तो आप यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल दूँ कटा हुआ प्याज, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा आप। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया, और अगर आपके पास प्लेन बूंदी है तो वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। और यहाँ पे आपको मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही चटपटा खट्टा मीठा हमारा पानी बनके तैयार हो गया है, जो कि पानी पूरी के साथ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसके लिए अब चना मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है बॉयल मटर, सफ़ेद मटर को मैंने अच्छी तरह से थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर लिया है। यहाँ पे कुछ दाने खड़े हैं और कुछ हल्के से मैसी से भी हो गए हैं। यहाँ पे अब ऐड कर देंगे अब आलू। तो बॉयल किए हुए 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू आप डाल सकते हैं, या अगर आपको कम आलू रखना है तो कम रखिए, अगर ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा यहाँ पर आलू रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू डाल दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक ऊपर से नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने मटर में भी नमक डाला है। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अब थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर। 2 कटी हुई आप हरी मिर्च डाल दीजिए। अगर बच्चों के लिए बना रहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया मैंने डाल दिया है, इसको आप हल्का सा मिक्स कर लीजिए। अगर आपको और ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा और मिर्च आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाल दिया है, इससे इसका लुक बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। और यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आ जाता है। तो यहाँ पे आप 1 से 2 चम्मच आप इसमें ज़रूर ऐड करें और इसे आप मिक्स कर लीजिए। तो हमारा बहुत ही चटपटा आलू मसाला भी बनके तैयार हो गया है। तो हमने अपनी सारी चीज़ें बना के तैयार कर ली। तो चलिए अब हम झटपट से पानी पूरी को शर्व कर लेते हैं। इस पानी पूरी को ना हल्का ठंडा होने के बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में ना स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत दिनों तक ये ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगा, क्रिस्पी रहेगा। एक बार जरूर बना के देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से फूला हुआ है,
कहीं भी मोटा पतला नहीं है। आप इसे आसानी से पतले से बेलेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है ये। तो यहाँ पे हम आलू चने का मसाला डाल देंगे, इसके बाद आपको इसे हरे पानी में डीप करके इंजॉय करना है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। आप चाहें तो इसके ऊपर ना हल्का सा आप यहाँ पे प्याज भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से पानी पूरी आप बना के इंजॉय कर सकते हैं। मार्केट से भी बढ़िया आप अपने हिसाब से गोलगप्पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी गोलगप्पे तोड़ेंगे ना बहुत ज़्यादा परफेक्ट और क्रिस्पी होंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप इसे सर्व करें, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सस्ते में आप घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।